तो दोस्तों स्वागत करता हूं आपका अफसर क्रिएशन यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई भी एंड्रॉयड डिवाइस है तो आप किस तरीके से उसके नोटिफिकेशन पैनल को चेंज कर सकते हैं, यहां तक कि आप अपने नोटिफिकेशन पैनल के अंदर अपनी फोटो या फिर अपने किसी फेवरेट की फोटो भी लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि किस तरीके से आपको करना है, क्या क्या स्टेप को फॉलो करना है, कौन कौन सी जो गलतियां हैं वो आपको यहां पर नहीं करना है। उसके बाद आप आसानी से अगर आपके पास कोई भी एंड्रॉयड डिवाइस है या फिर कोई भी अगर आपके पास डिवाइस है तो आप उसके अंदर आसानी से अपने नोटिफिकेशन के अंदर नोटिफिकेशन का जो शेड रहता है उसके अंदर आप अपनी फोटो या फिर किसी की भी फोटो लगा सकते हैं। इतना नहीं बल्कि यहां तक आप नोटिफिकेशन के अंदर जो आपको आइकन देखने को मिलते हैं उनको आप चेंज भी कर सकते हैं, सर्कल के अंदर, रेक्टेंगल के अंदर। उसके बाद बहुत सारे ऐसे आपको और भी चीज़ें मिल जाती है जहां पर आप अपने नोटिफिकेशन के अंदर जितने भी आइकन होते हैं उनको आप चेंज कर सकते हैं, उनके ब्राइटनेस को, कलर को, मतलब पूरी तरीके से आप अपने नोटिफिकेशन शेड को या फिर पैनल को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो गाइस सारी चीज़ें आपको वीडियो के अंदर पता चलेंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ, वहां पर मैं आपको ए टू जेड चीजें बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है, किस तरीके से करना है। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं मेरा जो नोटिफिकेशन पैनल है या फिर नोटिफिकेशन जो शेड है वो कुछ इस तरीके का है। यहां पर कोई भी हमें हमारा फोटो देखने को नहीं मिलता है या फिर उसके अलावा हम यहां पर हमारे नोटिफिकेशन पैनल को कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं। बट अभी जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा उसके बाद आप अपने नोटिफिकेशन पैनल को पूरी तरीके से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, साथ में आप अपना फोटो भी यहां पर लगा सकते हैं। अब इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसका नाम है वन शेड। तो गाइस सबसे पहले ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगी, बट वहां पर आपको इसको परचेस करना होगा। बट अगर आप चाहते हैं कि इसके सभी फीचर्स आप फ्री में यूज कर पाए तो उसके लिए मैं आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर एक लिंक दे दूंगा जिसकी मदद से आप इसको फ्री में यूज कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके का इस एप्लीकेशन के अंदर देखने को मिलेगा इंटरफेस। तो सबसे पहले आपको सभी परमिशंस को अलाउ कर देना है, तो मैं फटाफट से सभी परमिशन को अलाउ करता हूं, उसके बाद बताता हूं आपको आगे का प्रोसेस। तो गाइस मैंने यहां पर सभी परमिशंस को अलाउ कर लिया है। अलाउ करते ही आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहां पर देखने को मिल जाएगा। एंड आप जैसे ही अपने नोटिफिकेशन पैनल को नीचे करेंगे तो यहां पर भी आप देख सकते हैं आपका जो नोटिफिकेशन का जो शेड है वो पूरी तरीके से यहां पर चेंज हो चुका है। तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूं, यहां पर सभी जितने भी मेरी नोटिफिकेशन है उनको यहां पर क्लोज कर लेता हूं ताकि मैं आप लोगों को आसानी से बता पाऊं। तो गाइस देखो अभी हमारा नोटिफिकेशन पैनल तो यहां पर चेंज हो चुका है, बट अभी आपको करना है यहां पर इसको कस्टमाइज। तो उसके लिए जाना है आपको लेआउट वाले ऑप्शन के अंदर। एंड आप यहां पर लेआउट वाले ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो यहां पर आपको क्विक सेटिंग आइकन शेप का ऑप्शन देखने को मिलेगा जो आप अपने अकॉर्डिंग यहां पर लगा सकते हैं। देखो यहां पर आप जो भी चीजें करेंगे वो आपको यहां पर ऊपर देखने को मिलेगी यहां पर, या फिर यहीं पर आपको उसका प्रीव्यू देखने को मिलेगा। उसके बाद आप यहां पर अपने टाइल्स की ग्रिड भी चेंज कर सकते हैं कि आपको कौन कौन सी यहां पर ग्रिड चाहिए। उसके अलावा यहां पर आप अपने क्लॉक की जो पोजिशन है उसको भी चेंज कर सकते हैं, जो आपको क्लॉक यहां पर देखने को मिलती है इसके पोजीशन को भी आप यहां पर चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा यहां पर काफी सारे और भी आपको कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिल जाते हैं, तो आप उन सभी को यहां से यूज कर सकते हैं। बट अभी हम चलेंगे डायरेक्ट अपने बैकग्राउंड के अंदर किस तरीके से हमें अपने फोटो को लगाना है उसके लिए। तो गाइस उसके लिए आपको यहां पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है जिसका नाम है कलर्स का। आपको जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर आपको कस्टम बैकग्राउंड इमेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद कस्टम बैकग्राउंड इमेज आपको सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो अब आपको अपने गैलरी से अपने किसी भी एक फोटो को चूज करना है जिसको आपको अपने बैकग्राउंड के अंदर लगाना है। तो मैं यहां पर फोटो चूज करके आपको बता देता हूं। तो गाइस अभी के लिए मैंने अपना ये फोटो चूज किया है। अब आप इसको अपने हिसाब से क्रॉप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग के, आपको कितना फोटो चाहिए, आपको कितना फोटो का पोर्शन चाहिए। उसके बाद जस्ट आप यहां पर इसको सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपका जो फोटो है वो आपके नोटिफिकेशन पैनल के अंदर कुछ इस तरीके से लग जाएगा। एंड यहां पर लगने के बाद भी अभी जो आपको इसके जो कलर दिख रहे हैं नोटिफिकेशन के जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप इनको भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि बैकग्राउंड टाइप हो गया, यहां पर आपको लाइव ब्लर चाहिए या फिर इमेज ब्लर चाहिए। एंड इसकी आप ट्रांसपेरेंसी, उसके बाद ब्लर अमाउंट को भी यहां से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर देखेंगे तो यहां पर कुछ इस तरीके से आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद यहां पर आप बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर सकते हैं कि आपको व्हाइट चाहिए, ब्लैक चाहिए, जो भी चाहिए आप उसको चेंज कर सकते हैं। एक्टिव टाइल के कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग आपके अंदर जो जो भी चीजें हैं, जो जो भी कस्टमाइजेशन से रिलेटेड चीजें हैं, आप उन सारी चीजों को यहां पर यूज करके अपने नोटिफिकेशन पैनल को कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको आपका नोटिफिकेशन शेड, जो कि काफी अमेजिंग लगता है। एंड कोई भी अगर देखेगा तो वो भाई चौंक जाएगा, मतलब देखो यहां पर हमारे बैकग्राउंड के अंदर भी कोई भी फोटो नहीं दिख रहा है।
एंड जैसे मैं यहाँ पर नीचे करेंगे तो यहाँ पर पूरी तरीके से चेंज हो गया। एंड ये कोई भी आप अपने एंड्रॉयड के अंदर इसको चेंज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। जस्ट आपको एक एप्लीकेशन ही डाउनलोड करना है एंड एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। सो गाइस, इस तरीके से हम अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन शेड को चेंज कर सकते हैं। होप करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ चुकी होंगे एंड आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उन लोगों को भी पता चले इस नए ट्रिक के बारे में, वो भी अपने मोबाइल के ऊपर इसको अप्लाई कर सके। और अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो ऐसा अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन से मिल जाए और आप सबसे पहले मेरी वीडियो को देख पाओ। सो गाइस, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।